जैन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी का मैं 22 महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं। और ये ऐसे प्रश्न है मेरे भाई कि जो 3 बार से भी ज्यादा, 3 सालों से भी ज्यादा बार ये पेपर में आ चुके हैं। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आप पिछले 3 से 4 सालों का पेपर उठाइए और इन क्वेश्चनों को मिला लीजिए। 100% गारंटी है मेरी कि अधिकांश क्वेश्चन आपको उस पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। ये मेरा 100% वादा है। दोस्तों, बस इन प्रश्नों को पढ़ लो, मेरी 100% की गारंटी है मेरे भाई। क्योंकि मैं इतना गारंटी क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये ना ही किसी क्वेश्चन बैंक से मैंने उठाया है। देखिए, क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, आप अपने क्वेश्चन बैंक को जरूर मिला लेना। क्योंकि पिछले साल के जितने भी सेट बने थे, वो सारे सेटों का मैं बहुकल्पीय प्रश्न चुन-चुन कर लेके आया हूं। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि इन क्वेश्चनों को अपने नोटबुक में नोट करके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपको मैं पहला प्रश्न दिखा देता हूं। पहला प्रश्न है कि भाषा युगिष्ठ के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल या लल्लू लाल या राम प्रसाद निरंजनी या स्वामी दयानंद स्वामी। तो देखिए, मैं इसका राइट ऑप्शन बता देता हूं। तो भाषा युगिष्ठ के जो लेखक हैं वो राम प्रसाद निरंजनी हैं। और लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा भाई कि आपने 22 में से टोटल कितने क्वेश्चन का आंसर आपने खुद दिया है, ठीक है। और ईमानदारी से बताना है और कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की आपको रचना है पर बतानी है कौन सी होगी। यहां पर आपको कमेंट करके बताना है, सत्यमर्थ प्रवाह या नासिकोत्पाख्यान। तो देखिए, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। नासिकोत्पाख्यान जो है ये सदल मिश्र जी की रचना है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर 3 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 3 नंबर प्रश्न में थोड़ा सा कट रहा है, उसे कोई नहीं, हम पढ़ के बता देंगे आपको, इनको हटाइए। चलिए, हिंदी के प्रथम पत्रिका यानी कि उदंत मातदंड के संपादक हैं। तो भैया, युगल किसरा शुक्ल है, हां तो डी नंबर यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, हमारे जो और क्वेश्चन है, जो 4th नंबर क्वेश्चन है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इस बार, पिछली बार 2023 पेपर में भी आया था और ये कम से कम 2 या 3 सेटों में पूछा गया था, ठीक है। तो आनंद कंदामनी पत्रिका के संपादन करते थे। तो भैया देखिए, आनंद कंदामनी जब भी आए तो समझ जाना कि बद्री नारायण चौधरी हैं भैया इसके संपादक, ठीक है। चलिए, हिंदी प्रदीप के संपादक थे तो हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट थे, ठीक है। चलिए, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे तो भैया ये थे आपके यहां पर प्रताप नारायण मिश्र थे, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट किसके थे, हिंदी प्रदीप के संपादक है। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं और बद्री नारायण किसी का भी नहीं है। और प्रेमचंद्र जो है वो हंस पत्रिका के संपादक हैं, ठीक है। तो ये सब मुख्य चीजें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यार 100 में 100 फोड़ना है तो हमें 100 में 100% तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, यहां पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, गोदान, गुनाहों का देवता या चित्रलेख। तो देखिए, परीक्षा गुरु जो है ये मौलिक उपन्यास है और ये प्रथम है, ठीक है। चलिए, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास दास जी हैं, ये भी याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए, जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा रचना है। तो देखिए, आपके पास ऑप्शन है जय शंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा की, या यहां पर ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र की या श्याम सुंदर दास की। तो भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 9 नंबर है कवि वचन सुधा का संपादक, तो भैया आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है। तो देखिए, आनंद कंदामनी तो आपका नहीं होगा क्योंकि ये बद्री नारायण चौधरी का है, ठीक है। हिंदी प्रदीप का संपादक आपके बालकृष्ण भट्ट हैं, ब्राह्मण पत्रिका का संपादक आपके प्रताप नारायण मिश्र हैं, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को आपको बढ़िया तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, 11 नंबर है हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है। तो हिंदी नई चाल में ढली यह कथन जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, उन्होंने ही कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका कहना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। तो अभी मैंने आपको बताया कवि वचन सुधा जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है और ये चारों पत्रिका का संपादक आपको याद होने चाहिए यदि आप 12वीं की तैयारी कर रहे
दत्तु, हिंदी प्रदीप का संपादक बालकृष्ण भट्ट, कवि वचन सुधा का संपादक भरतेंदु हरिचंद्र, अनंत कंदामनी के संपादक आपके बद्री नारायण चौधरी हैं, ब्राह्मण पत्रिका के प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो ये चारों के चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए जो हमारा और क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 13 नंबर है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। तो सरस्वती पत्रिका के अगर प्रथम संपादक की बात करें तो वो आपके श्याम सुंदर दास जी हो जाएंगे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सभी के सभी क्वेश्चन या तो 2023 के किसी स्टेट में पूछे गए हैं या ये दो या तीन सालों से, तीन सालों के पास ही बोलो, तीन या चार सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है, तो सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं, आपको याद रखना है। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं, तो याद रखिएगा अ से क्या होता है, आचरण, और अ से अध्यापक पूर्ण सिंह, तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यही सब ट्रिक लगा के आपको बहुकल्पे प्रश्न को याद करना है। और जब मैं पढ़ता था ना भैया, तो मैं भी इसी ट्रिक को आजमाता था और इसी ट्रिक से मैंने कम से कम 150 से 200 बहुकल्पे क्वेश्चन मैंने याद किया था, वो भी इंपॉर्टेंट। तो भैया 150 से 200 क्वेश्चन याद करना है तो ट्रिक तो लगाना ही पड़ेगा, ऐसे तो याद होगा नहीं, याद हो जाएगा भी लेकिन बाद में जाके आप भूल जाओगे, तो आपको ट्रिक लगाना। जैसे एक क्वेश्चन में अ से आचरण, तो अ से अध्यापक पूर्ण सिंह। ठीक है, इस प्रकार का आपको ट्रिक लगा लगा कर याद करनी है। चलिए 16 नंबर है, उसने कहा था कहानी के लेखक, उसने कहा था कहानी के लेखक आपके जयशंकर प्रसाद नहीं है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हाँ, इसका आपका बी नंबर सही हो जाएगा, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। ठीक है, चलिए अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद हरिओद हरिओद, ठीक है, हरि इसमें ही का मंत्रा नहीं रहेगा, हरिओद की रचना है इसमें से बतानी है आपको। तो कल्प वृक्ष, नहीं नहीं ये तो वासुदेव शरण की है, ठेठ हिंदी का ठाट, हाँ भैया ये जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। ठीक है, चलिए जो हमारा और 18 नंबर क्वेश्चन है उससे भी हम लोग देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचनाकार हैं। भैया चिंतामणि का किसको नहीं मालूम है कि चिंतामणि के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, हम तो यूं बता देंगे, ये तो हम 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, 19 नंबर है, संगतगुप्त नाटक के लेखक है जयशंकर प्रसाद है, ये भैया हम 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, जो 10वीं से पढ़ते आ रहा है ना वो हमारे मुंह पर आता है क्या, यही तुम कहते हो ना। चलो 20 नंबर है, हंस नमक पत्रिका का संपादक अभी मैंने बताया था क्या, मुंशी प्रेमचंद्र। देखो फिर से आ गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादक हैं, याद रखिएगा ये सब जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, भारतेंदु हरिचंद्र कवि वचन सुधा के संपादक हैं, कवि वचन सुधा के संपादक हैं, ये सब याद रखने वाली चीज है। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के हैं, ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं। और साथ में आप कमेंट करके बताइए, आपको कमेंट करके ये बताना है कि यहां पर प्रताप नारायण मिश्र किस पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं, 21 नंबर प्रश्न है, तो श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक आपके श्याम सुंदर दास नहीं है, गुलाब राय नहीं है, रामचंद्र शुक्ल नहीं, हाँ रामचंद्र शुक्ल है इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए 22 नंबर है, रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं, रंगभूमि गोदान गबन ये सब किसके हैं भैया, तो ये सब प्रेमचंद्र जी के हैं, तो इसका आपका सी नंबर बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है ना, सब्सक्राइब करेंगे उससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तब तक हमारा वीडियो का मैसेज आपके पास नहीं जाएगा, नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, और तब तक आप मेरे वीडियो को मिस करते रहोगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आपको पूरा से पूरा लाभ उस वीडियो का मिल सके, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। देखिए आप दूसरे के बारे में भला सोचेंगे तो आपका भी भला होगा। ठीक है, तो आप दूसरे के प्रति अच्छा विचार रखिए, अच्छे सोच रखिए, और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें जाने की याद दीजिए, जय हिंद जय भारत।